जय हिंद बच्चों, अब आज मैं आपको जावर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। यह शीर्षक प्रतीकात्मक है, जो श्री कृष्ण का जो यमुना का सांवला पानी है वो कृष्ण की याद दिलाता है, वैसे ही जो जाविर हुसैन ने जो सालिम अली की याद है उनके सपनों की तरह, और उसी तरह से ये जो शीर्षक है पाठ का वो बड़ा ही प्रतीकात्मक है, जो सालिम अली की यादों को दर्शाता है। तो ये एक संस्मरण लेख है, यानी लेखक ने अपनी यादों में सालिम अली के बारे में लिखा है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं कि सालिम अली क्या थे। एक सालिम, थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको सार बता देना चाहती हूँ कि सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी, पशु पक्षियों का ज्ञान रखने वाले थे। उन्हें एक बार उन्हें भ्रमण करने की बहुत ही आदत थी, जंगलों में जाना, पहाड़ों पर जाना उनका शौक था। एक दिन उनके गन से, उनकी बंदूक से क्या एक नीले रंग की गौरैया मर गई, तब से उन्हें क्या हो गया, पक्षियों से बहुत ही प्रेम हो गया और उन्होंने दिशा को परिवर्तित कर दिया, वो उन पक्षियों के विषय में ही जानने लगे। एक तरफ उन्होंने उसी तरह के वर्णन करा है, उसी तरह से उन्होंने एक तरफ श्री कृष्ण की यादें, जैसे यह वृंदावन का प्रकरण दिया है कि एक जिस तरह की यमुना का जो सांवला पानी कृष्ण की याद दिलाता है, वैसे ही सालिम अली की यादें सभी को, कभी लेखक को, सभी को याद उनकी ताजा करती है। तो आइए इस पाठ को अब हम पढ़ते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सामने सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यानी परिंदों कहते हैं पक्षियों के खूबसूरत पंखों को सामने सपनों का एक हुजूम, एक जोश क्या होता है, खामोश वादी की तरफ यानी पहाड़ों की तरफ जो भागता हुआ नजर आता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। एक इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम, यानी उन सारे लोगों की जो संख्या है उनमें सबसे आगे चलने वाले कौन है, पक्षियों के पीछे भागने वाले कौन है, पहाड़ों के पीछे भागने वाले कौन है, सालिम। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन समर का बोझ उठाने, यानी अपनी कंधे पर वो सैलानियों यानी पर्यटकों की तरह क्या करते हैं, अपने सफर का बोझ लेकर वो आगे बढ़ते हुए जाते हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सपनों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उन्हें लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों का के गीत दोबारा कैसे गा सके। यानी सालिम अली की मौत का लेखक वर्णन करता है कि सालिम अली के को जिंदा करने के लिए लोग चाहे अपने दिल की धड़कन और ऊष्मा ऊर्जा अगर देना चाहे तब भी सालिम अली को जीवित नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली, यानी एक विश्वास का नाम क्या है, सालिम अली है, जो पक्षियों की ऐसी उबड़ खाबड़ यानी पहाड़ों और कंकड़ीली जमीनों के पीछे भागने वाले का नाम है सालिम अली।
आगे कभी लेखक कहता है, पता नहीं इतिहास में अब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अब वो एक दूसरा प्रसंग की ओर जाता है, लेकर कहता है कि जो वृंदावन में श्री कृष्ण ने अनेक रासलीलाएं की और गोपियों के साथ शरारतें की, कम माखन भरे भाणे फोड़े, भाणे कहते हैं बर्तन फोड़े, और दूध छाली से अपने मुंह भरे, यानी दूध से और मक्खन से अपने मुंह को भरा, कब वाटिका में छोटे छोटे किन घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज से बंशी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी, पता नहीं यह सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। यानी कवि कहना चाहता है कि इतिहास साक्षी है, काफ़ी समय अरसे के पहले श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीलाएँ की, गोपियों के साथ रासलीलाएँ की, माखन खाया, पेड़ों की छाँव में समय व्यतीत करा, काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी, लेकिन आज भी जब व्यक्ति क्या यमुना का जल देखते हैं तो श्री कृष्ण की यादें ताज़ा हो जाती हैं, पूरा पूरा जो घटना चक्र उसके आंखों के आगे जो घूमने लगता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से अचानक उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और वंशी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में तो बस यहाँ आटा गीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कभी क्वेश्चन करता है, क्या कृष्ण के बिना आज क्या वृंदावन को जाना जा सकता है? यानी आज भी वृंदावन में श्री कृष्ण की बंशी को सुना जा सकता है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को की क्षति तक पहुंचने में थोड़ी ही दिन तो बच रहे थे, संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद भी ही तो उतरी थी, यानी सालिम अली की आंखों के ऊपर पक्षियों को ढूंढने के लिए, पक्षियों को जानने के लिए दूरबीन हमेशा लटकी रहती थी, और आज भी उनकी जो मृत्यु हुई वो कैंसर की बीमारी के कारण हुई, लेकिन मरते समय में भी उनकी आंखों में देखा जा सकता था कि वो पक्षियों के प्रति कितने समर्पित थे, कितना पक्षियों के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रखा था। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। उन जैसा वर्ड वाचर, वर्ड माने चिड़िया, वाचर माने देखने वाला, उन जैसा चिड़ियों को देखने वाला शायद ही कोई हो, यानी चिड़ियों को जानने वाला शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। जब लेकिन एकांत के समय जब खाली होते थे तो उन्हें बिना दूरबीन के भी, ज़्यादातर वो दूरबीन लगाए रखते थे लेकिन बिना दूरबीन के भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हस्ती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। वह यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनके गढ़ने में उनके जीवन साथी
तहम साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी तहमीना जो उनकी पत्नी थी उसने उसके लिए भी काफ़ी सपोर्ट करता करा सालिम अली को पक्षियों के विषय में जानने के लिए। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलते। एक आगे क्वेश्चन आएगा कि और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि सालिम अली चौधरी चरण सिंह से क्यों मिले। तो यानी एक साइलेंट वैली एक रेगिस्तान केरल में एक जगह थी, वहाँ पर एक सरकारी योजनाएं लागू की गई जिसके कारण क्या हो गया कि पक्षियों का के लिए उन अच्छा नहीं था। तो उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश की, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कैसे थे, धरती से जुड़े हुए थे, किसान थे, इसलिए उन्होंने सालिम अली की मन की पीड़ा को जाना और उन्होंने उस योजना को जो योजना लागू की गई थी उसको रद्द कर दिया। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उनके से उनकी आंखें नम कर दी। यानी उन्होंने जो बताया कि अगर इस तरीके की योजनाएं लागू रही तो आने वाली पीढ़ी बहुत सारे पक्षियों को देखने से वंचित रह जाएगी, इस तरह का उन्होंने शब्द चित्र उनके सामने रखा। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। यानी ये उस समय सालिम अली ने लोगों के सामने चौधरी चरण सिंह के सामने अपनी योजना को रखा और उनको पक्षियों के बचाव के लिए पक्षियों के भलाई के लिए क्या किया, जो भी कार्य किया जिसके कारण उनकी योजना को कैंसिल कराकर उन पक्षियों को बचाया। लेकिन कहते हैं आज ना तो चौधरी चरण जैसे नेता हैं जो लोगों की या पक्षियों की भावना को समझें और ना ही सालिम अली जैसा व्यक्ति जीवित है जो पक्षियों की वकालत करे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया डी एच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। जब सालिम अली ने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था फॉल ऑफ स्पैरो, स्पैरो में गिरने वाला, तो उन्हें याद आया कि जब डी एच लॉरेंस भी एक पक्षी से प्रेम करने वाले थे तो उनकी जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी पत्नी से पूछा गया कि उनके बारे में कुछ कहो, तो उन्होंने उनकी पत्नी ने इतनी बड़ी बात कही कि मुझसे ज़्यादा तो कौन बता सकता है। फ्रीडा ने कहा गौरैया जो है वो उनसे ज़्यादा उनके बारे में बता सकती है। उन्होंने कहा उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया तो कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। और उसने बताया कि जो गौरैया है वो शायद उससे ज़्यादा उनके बारे में जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। उन्होंने कहा मुझे
लॉरेंस उनकी पत्नी फ्रीडा ने कहा कि मुझे उनके उन अपने शब्दों से लॉरेंस के बारे में बता पाना मेरे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन हम मेरे और मेरे पति के बारे में हमसे ज़्यादा जो हमारी छत पर गौरैया बैठती है वो अच्छा बता सकती है, उससे तुम्हें ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। यानी इस बात से पता चल सकता है कि वो पक्षियों से कितना ज़्यादा प्रेम करते थे। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बनी रहेंगी। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। उन्होंने बताया कि एक छोटे से नीले रंग की जो गौरैया थी उसने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और वे एक पक्षी प्रेमी बन गए। और लॉरेंस की तरह वो नैसर्गिक माने वास्तविक प्राकृतिक जिंदगी जीने का प्रतिरूप बन गए। सालेम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि उनको अथाह सागर, उन्हें टापू की जगह अथाह सागर क्यों कहा गया? तो सालेम अली को अथाह सागर इसलिए ही कहा गया कि क्या होता है, सागर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही जो सालेम अली का जो पक्षियों के प्रति प्रेम था वो अथाह सागर की, उसे नापा नहीं जा सकता। सागर की लंबाई क्या होता है, नापी नहीं जा सकती, और टापू की लंबाई गहराई को नापा जा सकता है। इसलिए उनका जो पक्षियों के प्रति जो प्रेम है उसको क्या है, नहीं नापा जा सकता। इसलिए कभी कहता है, लेखक कहता है, सालेम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरी। यानी जैसे सागर की गहराई को नहीं नापा जा सकता, वैसे ही सालेम अली के प्रकृति के प्रेम को नापा नहीं जा सकता, किसी तरह से उनके प्यार की तुलना नहीं की जा सकती। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लगी लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। वो कहते हैं जो सालेम अली के प्रति के घूमने वाले स्वभाव को जानते हैं, उनकी घूमने घुमक्कड़ प्रवृत्ति से परिचित हैं, उन्हें आज उन लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि सालेम अली इस दुनिया से नहीं गए, उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि वो आज भी पक्षियों की खोज में बाहर दूर निकले हुए हैं और अचानक एक लंबी दूरबीन अपने गले में लटकाकर हमारे सामने आ जाएंगे। यानी आज भी उनकी जो याद है लोगों के मन मस्तिष्क में आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसा वो जीवित उनके जीवित समय में बसी हुई थी। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है, सालेम अली तुम लौटोगे ना। लेखक कहता है कि जब तक वो नहीं लौटते, अगर वो नहीं लौटते हैं क्या हम ये मान सकते हैं कि वो अब नहीं लौटेंगे? अंत में वो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं ये बात, लेखक कहता है, अगर ये बात मैं याद भी कर लेता हूँ तो मेरी आंखें नम, यानी मैं उनकी याद में मेरी आंसू निकल आते हैं, मैं उन्हें अपने आप को उनसे अलग होना नहीं मानकर दुखी हो जाता हूँ, मेरी आंखें उनकी याद में दुखी हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि सालेम अली आज भी लोगों की कहने का मतलब यही है कि लेखक यही कहना चाहता है कि सालेम अली को अरसा बीत गया, इतिहास साक्षी है, काफ़ी समय हो गया, लेकिन आज भी लोगों की, अगर पक्षियों के पक्षी विज्ञान के बारे में अगर जाना जाए, प्राकृतिक नैसर्गिक क्रियाओं के बारे में जानना चाहता है तो सालेम अली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सालेम अली को लोग आज भी अपनी यादों से अलग नहीं कर पाए। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं।
किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना लिया? यानी एक नीले रंग की गौरैया उनकी एयरगन से मर गई, जिसके कारण उनका मन पक्षियों के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण हो गया और वो एक पक्षी प्रेमी बन गए। यही कारण है कि उस घटना ने उनकी दिशा को परिवर्तित कर दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि उनसे जिनसे उनकी आंखें नम हो गई? यानी सालिम वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात कही गई जिससे चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए? यानी उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया जाता है, यानी अनुमान से कहता है लेखक कि ऐसा अनुमान लगता है कि सालिम अली की ने ऐसा कहा होगा कि अगर इस योजना सरकारी योजना को लागू किया गया तो समस्त पक्षी मारे जाएंगे और आने वाली पीढ़ी बहुत सारे पक्षियों को देखने से वंचित रह जाएगी। और चूंकि जो चौधरी चरण सिंह थे वो भी एक किसान थे और धरती से जुड़ने वाले नेता थे, इसलिए उन्होंने पक्षियों के प्रति उनके मन में भी एक सहानुभूति हुई और उनकी आंखें ये बात सुनकर नम हो गई। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? डीएच लॉरेंस बहुत ही बड़े पक्षी प्रेमी थे। जब उनकी मौत हो गई तो उनकी पत्नी से यही पूछा गया कि तुम अपने अपने पति के बारे में कुछ बोलो, तो उन्होंने चूंकि वो गौरैया से बहुत प्यार करते थे, गौरैया उनकी छत से हटती नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझसे अच्छा तो ये गौरैया लॉरेंस के बारे में ज़्यादा अच्छा। यानी इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लॉरेंस गौरैया को कितना प्यार करते थे। अगला क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी भावार्थ लिखिए कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतीक बन गए। उन्होंने कहा कि जैसे लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे, पक्षियों के प्रति सिंपैथी रखते थे, वैसे ही जो सालिम अली थे वो भी पक्षियों के बहुत प्रेम करते थे। यानी दूरबीन को लटकाकर वो पहाड़ों पर और जंगलों में ही घूमते रहते थे, इसलिए उन्हें नैसर्गिक यानी प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? कहने का मतलब यह है कि जब सालिम अली की मौत हो चुकी थी तो लेखक कह रहा है अगर कोई उन्हें जिंदा करना चाहता है, दिल की अपनी धड़कन देना चाहता है, अगर उसमें ऊष्मा गर्मी भर देना चाहता है, तब भी उन्हें जीवित नहीं किया जा सकता। यानी सालिम अली की मौत हो चुकी थी, वो इस दुनिया से चले गए थे, उन्हें दोबारा से जीवित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में, मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले भी बताया, टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। यानी टापू की लंबाई चौड़ाई को नापा जा सकता है और सागर अथाह होता है जिसे नापा नहीं जा सकता, ऐसे ही सालिम अली का जो प्रकृति प्रेम है उसको अथाह सागर की तरह उसको नापा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की चार विशेषता, यानी उन्होंने उर्दू मिश्रित खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करा है, उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग करा है, ठीक है, इस तरह की ऐसी उनकी चार विशेषताएं बताई गई। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखो। सालिम अली एक दूरबीन पहनते थे, लटकाकर रखते थे, पक्षियों के पीछे भागते रहते थे, यही उनका बारे में बताया गया है, पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। अगला 7 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सामने सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी सामने सपनों की याद का क्या तात्पर्य है, किस कारण ये नाम रखा गया? तो यानी उन्होंने यही बताया
कि जैसे सांवला पानी, यमुना का सांवला पानी श्री कृष्ण की याद दिलाता है, वैसे ही जो सालेमली की यादें हमें आज भी, सालेमली इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें हमारे मन को तरोताजा आज भी कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ सालेमली के पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है, पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन है, क्या कर सकती हैं हम, वृक्षों को लोगों में जन जागृति पैदा कर सकते हैं, प्रदूषण को फैलाने से रोक सकते हैं, लोगों में क्या है अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि आप जो मैं PDF भेजूँगी उनके क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में करेंगे और कोई चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि मिड में से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। NCERT मैं जानती हूँ कि NCERT बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बोल सकते इसलिए, लेकिन अगर आप बार बार उस चीज़ को गहराई से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छा आएगा। मैं आप इसकी PDF बना के भेजूंगी क्वेश्चन आंसर्स के, जिसे आप अपनी कॉपी। थैंक यू बेटा।